So hello guys, welcome back to another gameplay video of Motel Manager Simulator. आज होने वाला है बहुत ज़्यादा काम भाई साहब, बहुत सारा सामान है जो कि मेरे को लगाना है अपनी शॉप में और अपना एक रूम रेडी करना है जिसको मैं देने वाला हूँ बहुत ही रॉयल लुक। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपकी मर्जी है बॉस। बाकी मैं इसकी डिलीवरी फिनिश कर दूँ। मैंने तो भाई साहब इंट्रो के लिए मैंने इतना सजावट करके रखी हुई थी भाई, सामान मैंने बहुत ज़्यादा मंगाया, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मज़ा आने वाला है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी आज की। और इसकी डिलीवरी करें जरा फिनिश और एम्प्लॉयज़ ने काम करना कर दिया है बंद, उसके लिए पहले मैं इनका इलाज करूं फटाफट से। इनको देनी है भाई साहब सैलरी, बिना पैसे के तो भाई दुनिया चलती नहीं है ना। तो अब मेरे पास है नहीं पैसे, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है कि मेरे पास सिर्फ बचे हैं $250। तो भाई साहब रिकवरी करनी पड़ेगी कहां कहां से। ये देखो तुम्हारे भाई का जुगाड़ पानी चलते रहता है भाई, पैसे की कोई कमी ही नहीं है। ये लो लगे हाथ हमारे $450 यहां से हो गए, यहां पर $250 हमारे यूं ही पड़े रहते हैं और यहाँ पर $314 यूं ही पड़े रहते हैं। और अभी आई थिंक शॉप के अंदर से मेरे को कोई रिकवरी होने वाली है नहीं, $150 यहाँ से भी मिल गए, ये बहुत बढ़िया बात हो गई। आई थिंक मेरे पास ना कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जैसे कि कोई आईपैड टाइप चीज़ ना, टैब जैसी, सो दैट कि मैं कहीं से भी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकूँ, है ना। और इस मैडम को सबसे पहले हम फिनिश करेंगे, फिनिश नहीं चेकआउट इसका खत्म करेंगे, इसको निपटाएंगे और लगे हाथ इन कस्टमर्स का निपटारा करने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। दो रूम है जो हमारे नॉट रेडी है अभी, इनको रेडी करेंगे, मोटल को ओपन करेंगे, मोटल अभी हमारा ओपन नहीं है। और जो हमारे स्टाफ है इनको जरा हम पेमेंट करें और साथ के साथ इनको लगाए काम पर। तो अपना ये जो दोनों एम्प्लॉयज हैं ये लग गए हैं काम पे और हमारे पास अभी ये दो रूम्स हैं जो कि रेडी नहीं है, इनको हमको फटाफट से रेडी करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। रूम नंबर 3 एंड रूम नंबर 1 के अंदर हमको थोड़ी सी चीजें उठा के बस हमको धो के डालनी है। वैसे तो धोने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, बस इनको हटाने, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट्स है वो भर भर के हमारे पास पड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जल्दी आवे 12 जल्दी आ, अरे आना ब्रो। अच्छा मेरा हाथ फुल हो गया भाई, हाथ फुल हो गया मेरा। तो जो ये यहाँ रख सकते हैं क्या? यहाँ रख देते हैं भाई, रख जाना। हाँ ठीक है, बेडशीट को, ये सारी चीजें टेढ़ी क्यों लग रही है भाई? हाँ ऊपर लग, बेडशीट्स हैं हमारी ये सारी, ये ब्लैंकेट वाला एरिया मैंने बना के रखा हुआ है काइंड ऑफ। इधर लग जा भाई, इधर लग जा, तमीज से लग जा, इज्जत से लग जा, नहीं तो बक्कर उतार दूंगा तेरा। और बाहर आ जाए सारा सामान, इसको मैं यहाँ लगा दूं बढ़िया मजे तरीके से, एकदम बेडशीट यहाँ लग गई है एंड टावल हम अपना यहाँ पर डाल देंगे। और ये जो सामान है इसको हम डाल देंगे धोने के लिए। ये हो गई हमारी मशीन रेडी, हमने मेरे पास दो दो मशीन्स हो गई हैं, ये बड़ी वाली एक छोटी वाली। मैं बेच नहीं रहा पुरानी वाली को, मैं नहीं बेचने वाला भाई, उसको मैं रखूँगा क्योंकि काम आ जाती है भाई, कभी भी काम आ जाती है। अरे मैं उधर काय को जा रहा हूँ बे, इसे उठाएं फटाफट से एंड इसको भी उठा लेते हैं साथ के साथ, साथ में ये चीज़ उठा लेते हैं टावल अपना एंड पागल होगी वो मशीन, पागल होगी भाई साहब, क्या स्पीड में घूम रही है भाई। इसको यहाँ से हो गई धुल गए कपड़े, एक बार ही घूमे बड़ी तेज स्पीड में और उसके बाद भाई सब स्लो डाउन हो गया मामला उसका। ले ओ जी ये हो गया काम डन, ऐसे करते हैं काम डन, फटाफट काम सारी चीजें पूरी हो जाए। यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ अब रखना है टॉयलेट पेपर सो दैट ही हमारा हो जाए रूम रेडी एंड बस थोड़ी सी सफाई करनी है बस, बाकी सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। ये रूम को हमको रेडी करना है, ये सारा कूड़ा करकट यार कितना इकट्ठा कर रखा है इसने, ये उठा नहीं सकते, फुल हो गया मामला। और हमारे यहाँ पर ट्रैश कैन है, उसके अंदर हम चीज़ डाल देते हैं। जा भाई जा, फुल हो गया ट्रैश कैन, फुल हो गया, इसको भी मेरे को खाली करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक और ट्रैश कैन है जिसको हम फुल कर सकते हैं। और हाँ एक यहाँ पर रह गया था ना, ये एप्पल, ये एप्पल को फेंकेंगे एंड एक बार झाड़ू लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा कम्प्लीट। यहाँ पर से साफ है, यहाँ से साफ है। चलो बस अब मेरे को वहाँ पर टॉयलेट पेपर रखना है, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी टॉयलेट पेपर की, जिसकी वजह से मेरे को रूम नंबर 3 में रेंट पे ही नहीं चढ़ा पाया था, ठीक है ना, रेंट पे ही नहीं चढ़ा पाया था। ठीक है ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी फिलहाल मेरे को ना शॉप के अंदर सारी चीज़ें भरनी है, शॉप के अंदर सारी चीज़ें भरेंगे प्लस उसको शॉप को काइंड ऑफ अपग्रेड करने वाला हूँ। मैंने नई नई चीज़ें मंगाई हैं, एक बहुत बड़ा फ्रिज मंगाया है, एक मैंने पेस्ट्री वाला ये सिस्टम मंगाया है। और अभी एक काम करते हैं, पहले तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उठा के लेके जाऊँ, अरे बाहर निकलना, वो है टॉयलेट पेपर जो कि मेरे को अब लगाना है, जिसकी वजह से मेरा रूम रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये एसेंशियल्स में आता है ना गुरु, गुरु ये एसेंशियल्स में आती हैं चीज़ें। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे एंड इसको एक को नीचे रख देते हैं यार, यहाँ ही लगा देता हूँ, है ना।
यहाँ पर लगा देते हैं। यस चलो, दो मैंने निकाल लिए इसके अंदर से टॉयलेट पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना भाई काम ही नहीं कंप्लीट होता, रूम रेडी नहीं दिखाता तो मैं चढ़ा ही नहीं सकता। और ये जो सामान तुम देख रहे हो ना इतना सारा लगा हुआ है जो अभी, इसको भी मेरे को यहाँ से हटाना है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने लाइट वाइट लगाई है, अभी तक जो मैंने काम किया ज्यादा कुछ खास नहीं किया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने ये दो गमले लगाए हैं, एक यहाँ पर पेंटिंग लगाई जो कि बहुत सुंदर लग रही है, इसका भी हमको बोनस मिलेगा। कुछ चीजें मैंने लगा दी, मैं अभी दिखाता हूँ उस रूम के अंदर जो मैंने लगा दी, जो मैं रॉयल लुक में मैं अपना रूम बना रहा हूँ ना, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा बताऊंगा आपको। एंड अब मैं चेक करूं कि मेरे रूम कौन कौन से रेडी हो गए हैं, रूम दोनों मेरे रेडी हैं, तो अब मैं मोटर ओपन कर सकता हूं और मेरे को अपना पेट्रोल देखने की पेट्रोल कितना है मेरे पास। तो एक काम करते हैं, लगे हाथ जब मैं सिस्टम पे बैठे ही हूं तो फ्यूल क्यों ना ऑर्डर कर लिया जाए। फ्यूल ऑर्डर कर लेते हैं, फ्यूल हमारे पास हमेशा होना चाहिए। अभी हमको हमारे पास बहुत सारा सामान है जो कि हमको बस लगाना है और कुछ अभी काम है नहीं, तो इन सारी चीजों को भी मेरे को मैनेज करना है। प्लस ये सारी चीजें जो हैं इनको भी मेरे को लगाना है। लेट मी ना एक सेकेंड। हाँ, तो मेरे को आपको ये चीज पूछनी थी, इनफैक्ट दिखानी थी कि भाई देखो ऐसा है, यहाँ पर मेरा जो आइडिया था वो ये था कि मेरे को रेड एंड वाइट क्या थीम लेके चलना है इस रूम के अंदर, जो थोड़ी सी रॉयल लुक के साथ हो। जैसे कि तुमने कर्टन देखा, ये थोड़ा सा ना वेलवेटी ऐसा लग रहा है ना, बढ़िया सा एकदम, तो मेरे को थोड़ी सी रॉयल लुक देने चाह रहा था इसके अंदर। मैं इसके साथ एक्चुअली ये भी चीज़ करता हूँ कि गोल्डन एंड रेड कलर का भी कॉम्बो कर सकते हैं, वाइट उसके अंदर जरूर लगेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। और रूम के अंदर, इस बाथरूम के अंदर भी मैंने बस ये क्या किया, एक ऐसी लाइट लगा दी क्योंकि ये पड़ी हुई थी, और ये वाली मैंने एक सीलिंग लैंप लगाया है जो आई थिंक बहुत कूल लग रहा है देखने में, उससे लिट अप हो रहा है मामला। और यहाँ पर मैंने बाथटब लगाया जो कि सबसे महंगा बाथटब में से एक है, और यहाँ पर सिंक लगाया। ये तीनों चीजें बहुत मतलब एक्सपेंसिव है बेसिकली। और इसके अंदर मैं रूम का जो समझ के चल रहा हूँ ना वो ये है कि यहाँ पर लगाया जाएगा बेड, एंड यहाँ पर लगाया जाएगा टीवी, एंड यहाँ पर लगाया जाएगा सोफा, और यहाँ पर लगाया जाएगा ड्रेसिंग टेबल विद मिरर। ठीक है, तो मिरर मैंने मंगा लिए हैं, सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी हैं, बस अब काम में कोई चीज स्टार्ट करनी है। पहले सबसे पहले काम करने वाला हूं मैं कि शॉप जो मेरी चल नहीं रही है, क्यों नहीं चल रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि शॉप के अंदर सामान ही नहीं है ब्रो। तो शॉप के अंदर जब सामान ही नहीं होगा तो चलेगी कैसे, लोग चीज खरीदेंगे क्या? तो पहले इसका काम मेरे को निपटारा करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले तो मैं ये चीज़ लगाता हूँ, और मेरी स्पीड और हंगर जो है स्पीड ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हंगरी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, एनर्जी नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल भी, तो पहले उसका मेरे को निपटारा करना पड़ेगा बॉस। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको लगाते हैं फटाफट से, भूल जा भाई सिमसिम, इसको लगाते हैं फटाफट, ये हो गया काम टन्नास। और इसके लगाते हैं, ला भाई लग जा, कौन आया, कोई आया क्या? अच्छा मोटल पे आ गए लो। मेरे निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में आ गए लोग, मेरे को पकड़ लिया भाई काम करवाने के लिए। चलो मिल्क भी लगा सकते हैं यहाँ पर हम, ये बढ़िया है, एक ही इसके अंदर लग जाती है ना चीज़ें तो मैं बहुत सही लगता है। अरे खुलना, व्हाट इसके अंदर कैसे, इसके अंदर क्यों नहीं लगता भाई, व्हाट इज द नॉनसेंस इज द, भाई मैं लगाना चाह रहा हूँ लग नहीं रहा, प्लेस प्रोडक्ट मैं कर रहा हूँ प्लेस, लग जा भाई। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं इसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर रखते हैं। एंड बियर जो है, बियर कैन है उसको हम लगाते हैं, ये लग जाएगी, ये लग रही है। आई थिंक वो वाला जो मिल्क का कार्टन है ना वो लगेगा बड़े वाले फ्रिज के अंदर, ये भी पॉसिबल है। और ये मेरे पास आई थिंक ये डोनट है, यहाँ पर थोड़ी ना लगा सकते हैं इसको, यहाँ थोड़ी ना लगाएंगे ब्रो, या भाई भाई भाई, भाई मेरे को ये सही नहीं लग रहा है, डोनट को यहाँ पर थोड़ी ना लगा सकते हैं, इसको वापस लो, मैं अभी वो लगाता हूँ। पहले तो कस्टमर को उसको डील करके आता हूँ पहले। अरे भाई कहाँ चला गया, इसको बंद करो दरवाजे को, और चीजें बिकनी तो शुरू हो गई एटलीस्ट। अरे मैं खा भी तो सकता था अभी, मैंने खाया ही नहीं, लो मेरी एनर्जी अभी भी डाउन है। चलो रूम तो रेडी है अपने, पहले इस भाई से बात करते हैं, ब्रोकर लिस्टनर के बेटे से। ओके होल्ड ऑन, तो रूम नंबर अपना एक रेडी है, ले भाई मजे कर, टेक दिस रूम, मजे मार। एक पेमेंट $366 मेरे पास आ गए तुरंत प्रभाव से। अब मेरे पास रूम नंबर 3 है जो कि मैं दे सकता हूँ रेंट पर। इस बहन से बात करते हैं, इसको 36 आवर्स के लिए चाहिए, तो इसको हम कहेंगे थोड़ी देर के लिए रुक जा, हम भाई से बात करके देखें, भाई क्या पता वो 72 आवर्स के लिए लेने के लिए आया है ना, तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा ना हमें यहाँ पे। ये देखा 96 आवर्स के लिए आया है, इसको देंगे रूम, प्रॉफिट चाहिए भाई हमें, इसको हम मना कर देंगे और मोटल कर देंगे बंद तुरंत। पहले तो मोटल ही बंद करूं भाई मैं, पहले मैं मोटल बंद करूं ताकि कोई मांगने ना आ जाए ना भाई। नो रूम अवेलेबल। अच्छा लड़कियां बहुत तगड़ा कमेंट मारती हैं, वैसे कोई नहीं बोलेगा लड़का वड़का कोई नहीं बोलेगा, लड़कियां वॉइस ऑफ रख के सुना के जाती हैं, आर यू सीरियस, आर यू ये, आर यू वो। भाई अब ये भी लगाना है, पहले ये उठाते हैं, ये नया मैंने फ्रिज एंड ये क्या बेकरी का जो फ्रिज होता है, बेकरी वाला फ्रिज ये भी मंगाया मैंने। यार मेरे को क्या हो गया, मैं बोल भी नहीं पा रहा, बेकरी वाला फ्रिज ही तो होगा ये, तो मैंने ये बेकरी वाला फ्रिज भी एक मंगाया, और साथ में मैंने मंगाया एक लार्ज फ्रिज जो कि मेरे को अभी शॉप के अंदर लगाना है। और मैं कुछ चीजें मैं पहले तो यही लेके जाता हूँ, फिर बाद में दूसरी चीजें उठा के लेके जाऊंगा। अरे यार ले जाता हूँ, जितनी आ जाए हाथ में उठा के ले चलो, क्या जा रहा है।
वैसे चाहूँ तो मैं अपना वो कार्ट यूज कर सकता हूँ, बट मैं करता नहीं हूँ, आई डोंट नो व्हाई, मेरी हैबिट नहीं है. Awesome. वो एक हैबिट है जो डालनी पड़ती है और वो हैबिट मेरे को अभी तक हुई नहीं है. तो आई थिंक मेरे को ये चीज आगे की तरफ लगानी चाहिए, क्या कहते हो, है ना? इसको यहीं लगाऊं? That's amazing. Yes, इसको यहाँ पर लगाएंगे एंड ये बड़े वाला जो फ्रिज है इसके साथ ही लगा देंगे. यहाँ नहीं लग सकता शायद, इसको पहले घुमा तो लूं. Thanks. Okay. I think. Wait a minute. इसको यहाँ, एक सेकेंड, इसको तो लगा ही दूं मैं. चलो. Amazing. बढ़िया हो गया काम. इसको भी लगाओ यहाँ पे. बहुत बढ़िया तरीके से लग रही है. आई थिंक ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता होगा. इसको भी एक वो देना पड़ेगा कनेक्शन, वो भी मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना है इसको या नहीं देना, कैसे देना है. आई थिंक डोनट तो यहीं पर. वो तेरा भला हो, इलेक्ट्रिसिटी ना है भाई हमारे पास तो गरीबी. चलो वो तो शुक्र है कि भाई मैंने मंगा रखा था. और अपना कैन मैं हमेशा भर के रखता हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है. फ्यूल मैंने भर भर के मंगा रखा है. $95 यहाँ से लेंगे और 719 लीटर पहले से ही मेरे पास रिजर्व में है. ये बहुत अच्छी बात है जो कि मैंने मंगा के रखा था. और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, तभी मेरी स्पीड इतनी कम है. मतलब काम के अंदर देखो भाई साहब, बंदा इतना घुस जाए, खाने पीने की सुध भी ना रहे. ले बेटे तहलका. अब ले लेते हैं इसके अंदर जेरी कैन के अंदर मैं फिल करके रखता हूँ. मेरी हैबिट है भाई, ये मेरी हैबिट है. मैं जेरी कैन फिल करके रखता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि एक सेकंड के लिए भी मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो. इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना तुम्हें हर टाइम, वही कब बात है भाई. एक सेकंड, इसके अंदर पहले तो मैं ये चीज चेक करूं. भाई भाई वहां पर मेरे बंदा आया हुआ है क्या, कस्टमर मोटल पे आई थिंक. हाँ भाई कस्टमर आया हुआ है. एक सेकंड, पहले मैं कुछ खा लूं. मैं खा सकता हूँ इसमें से या नहीं? नहीं खा सकता, बेइज्जती हो गई भाई बहुत तकड़ी. लगे हाथ ये लगा देते, पेशेंस उस बंदे का कम हो रहा है जो आया हुआ है मेरा मोटल के ऊपर. बट मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहा. कोई बात नहीं, अभी देखते हैं. पहले उस कस्टमर को चेक कर. जब तक मैं पहुंचूंगा खत्म हो जाएगा उसका पेशेंस. Let me see. भाई मैंने मोटर बंद कर रखा है. सॉरी, नो रूम अवेलेबल ब्रो. रियली? हाँ रियली. आर यू स्टूपिड? भाई बंद कर रखा है मैंने मोटर अपना, क्यों आ रही है? चलो मैंने ये सामान लगा दिया, अब एक काम करते हैं बाकी सामान भी उठा के लगाते हैं. पहले तो फटाफट पहले तो खाने की चीज़ लगाऊंगा क्योंकि मेरे को लग रही है भूख बहुत तेज. ठीक है ना, तो ये चिंकल्स पिंकल्स लेते हैं. एंड और क्या, केक वगैरह भी है ब्रो. केक है. ओ शिट, केक है, लिटरली केक है भाई. ठीक है, और क्या चीज़ है जो मैं लगा सकता हूँ वहाँ पर? आई थिंक मेरा हाथ फुल हो चुका है अभी. हाथ फुल हो चुका है अभी, और कुछ नहीं लगा सकता. पहले तो मैं ये सामान लगाऊंगा फटाफट से और उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा एंड आगे तेजी में काम करूंगा. तो इसको लगाया जाए यहाँ. चलो जी, कुकीज फ्रिज में तो नहीं जाएंगी. लेट मी चेक. अरे ये कुकी वाकई में ऐसे लग रही है भाई, ओपन है. तो ये तो फ्रिज में रखूंगा मैं, ऑब्वियसली ओपन तो रख नहीं सकता मैं. ये रख देते हैं यहाँ पे, ये सारा भी बेचूंगा मैं. ये भी लगा देते हैं यहाँ. चल भाई फटाफट लग जा. कैसे कैसे उठा रहे हैं ये, बहुत सही. अरे मैंने अभी तक इसके ऊपर प्राइसिंग का नहीं चेक करा भाई. लगाओ ये प्लेस प्रोडक्ट. क्या है ये, क्या चीज़, क्या है ये, कहाँ लगेगा? अच्छा ये टोबैको. ओ शिट, टोबैको. आई थॉट कि केक है ये. हाउ स्टूपिड ऑफ मी. मेरे को लगा वो केक है भाई लिटरली. ये लगा देते ट्रिंगल्स प्रिंगल्स चिंगल्स. भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा? ऐसा है क्या पॉसिबल? ऐसा हो सकता है भाई. चलो भाई ये लगा देते हैं भाई, पहले खा ही लें. पता नहीं मैंने बोल दिया, क्या पता मैं वाकई में मर जाऊं. चलो भाई एनर्जी थोड़ी सी आई. अब एक काम करते हैं, पहले ये डब्बे जो हैं एक्स्ट्रा के रखे हुए इन्हें निपटाएं फटाफट से. चलो भाई तहलका, ये लो है ना. थैंक्स. अब ये काम हो गया कंप्लीट. अब लगाएंगे हम ये लो. एक सेकेंड पहले मैं इसको उखाड़ूं. रुक जा भाई, अरे बंद करना है यार. हाँ इसको यहाँ पर डबल सॉकेट वाला सिस्टम लगा सकते हैं. डबल सॉकेट वाला मैंने कहीं लगा रखा है? कुछ नहीं लगा रखा. एक काम करते हैं, उठा भाई उठा उठा. इसको इधर करते हैं, इसको इधर लगा के देखते हैं एक बारी. यहाँ लगेगा नहीं, ये विंडो आ रही है इसके आगे आई थिंक. और इसको लगाते हैं इधर सटा के यहाँ पे. Thanks. है ना, लग जा भाई. ठीक है, सही लग गया. हाँ अब लग गया चिपक के, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसके साथ. और इसको लगा देते हैं यहाँ पे. और इसमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बीच में सॉकेट लगाना होगा. लग रहा है एटलीस्ट इस वाले फ्रिज को मैं ऑन कर दूं. हाँ भाई हो जा. चलो ये फ्रिज तो एटलीस्ट ऑन है. और इसको हम लगाएं कैसे फिर, इसको कैसे लगाएं? इसको फिर मेरे को ऐसे ही लगाना पड़ेगा और टाइम बीइंग है ना, तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा. या फिर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं. यार ये वाला मेरे को पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ये वाला. चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी. इसको तो फिर मैं यहाँ नहीं लगा सकता ना.
अरे वो आई थी लेने के लिए, मैंने उसके आगे से भाई ये डब्बा उठा दिया। मैंने मेरे को अपना ये मैनेजमेंट समझ अच्छा नहीं लगा। आई एम बीइंग ऑनेस्ट भाई, मैं खुद अपनी बुराई कर रहा हूँ अपने मुंह से, जो बात है वो है, मैं गलत नहीं बोल रहा भाई। मेरे को अपना खुद का मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगा, मगर ठीक है अब हो गया सही, एटलीस्ट ये चीज़ सही है। इसको मैं आगे फ्रंट पे लगाना चाहता हूँ, ये लगा दो, क्योंकि सामने से घुसे बंदा उसको एकदम दिखे पेस्ट्री। रुको दिखाता हूँ, ये घुसा अंदर बंदा, 36 तरह के प्रोडक्ट लगे हुए हैं, ये दिखे लेफ्ट में मुड़े, ये 36 तरह की चीज़ लगी हुई है, ये होते सिस्टम, ठीक है। और ये लग जाएगा इसमें अब, हाँ अब इसमें लग रहा है, बट इसमें दो प्रोडक्ट कैसे ही निकले, बस दो कार्टन निकले मिल करके, वॉट इज भाई ये क्या सीन है। चलो बढ़िया, कस्टमर अपना रह रहे हैं मजे से। ओ तेरा भला कॉर्वेट भाई, मेरा 2.5 स्टार से आगे नहीं बढ़ रहा। रुको अभी बढ़ाते हैं इसका भी सिस्टम, हैंग करते हैं अभी। रुको ये सब, अरे ये नहीं उठाना भाई, ये अभी नहीं उठाना, ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं खाने पीने की। यस यस, अरे मैं अपना कार्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहा, कार्ट यूज़ कर लेता हूँ यार, या तो मैं एक नया बड़े वाला ऑर्डर कर लेता हूँ, है ना। ये लगाएंगे हम यहाँ पे, चलो एक्साबेरी लग गई, एक्साबेरी है ये इसका नाम। और भी नए मेरे को फर्नीचर ऑर्डर करने पड़ेंगे, ये तो मेरे को बात समझ में आ चुकी है। ये लगेंगी यहाँ, अब लगी हैं ये तरीके से, सलीके से, ये है तरीका इसका। अभी तक जो कर रहे थे वो काम चलाओ मामला था, अब हुआ है तरीका सही एकदम। तो चौथलेट हम लगाएंगे यहाँ सारी, चौथलेट है ये। ये जो डब्बे से पैसे की अर्निंग होगी ना, ये सबसे बढ़िया लगती है मेरे को। ये सिक्टे भी लगेंगी यहाँ पे। Wow, that's quick. अरे भैया हमने अपने पट्टे तैयार करके रखे हैं यार, तुम क्या समझते क्या हो। ये क्या है, ये क्या है, तंबाकू है ना, ये तंबाकू लगेगा यहाँ पे। हाँ ये लगा तंबाकू। You are lightning fast. भाई तंबाकू तो फिर ये सारा पूरा ही घेर गया भाई हिसाब किताब। चलो और लगाएं, सारी चीज़ें लगा देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं फटाफट से ना, पहले सारी चीज़ें लगा देता हूँ, देखता हूँ कितनी लगती हैं। सारा सामान मैं लेके आ चुका हूँ, मैंने उठा के अब मैं फाइनली इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ। यार बहुत देर लग गई सारा सामान उठा के लेके आने में, शॉप का सामान है सिर्फ। और अभी तो मेरे को कंस्ट्रक्शन का जो मेरा वो मोटल रूम्स का जो सामान है ना, वो तक अभी मैंने उठा के नहीं मैं रख पाया। देख रहे हो तुम्हारे सामने ही है यार जो सब है भाई, सब ग्राइंड नेक्स्ट लेवल है, ग्राइंड नेक्स्ट लेवल है भाई। और यहाँ पर मैंने बैटरीज भी, कार की बैटरीज भी रख ली हैं, कार का स्प्रे और क्लीनर भी रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर गैस स्टेशन पे सारे तरीके के लोग आते हैं, हर तरीके का कस्टमर आता है। और कार का आना जाना लगा हुआ है, तो भाई किसी को क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, तो बेच होगा तो बेच पाएंगे, ठीक है। और इतनी सारी मैंने बियर्स मंगाई है भाई, इतनी सारी मैंने बियर्स, अब कोई हिसाब नहीं। अभी तुमने ग्रोसरी स्टोर की वीडियो भी देखी होगी, तो उसके अंदर भी भाई मैंने ऐसी फ्रिज लगा रखे हैं बढ़िया बढ़िया, उसके अंदर हर तरीके की मैंने बियर रखी हुई हैं। आई होप कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। और मैं भर भर के ठोक ठोक के लगा रहा हूँ भाई, ऐसे ही कहीं पर भी कुछ भी, क्योंकि क्या है ना, इतनी सारे प्रोडक्ट्स हैं भाई और इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तुम चाह के भी नहीं कर सकते यार, इनको अलग अलग नहीं कर सकते हो। मतलब कितना कर लोगे अलग, तुम्हारे सामने है देख लो, पूरा पूरा क्रेट इतनी इतनी जगह पे लग रहा है, कितना करोगे अलग, तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा भाई कर करके। ये देखो कोल्ड ड्रिंक के साथ मैंने बियर रख दिया है, अभी सब बेचने वाला हूँ मैं, सब बेचूंगा, कितना भाई साहब कितना तगड़ा मेरे को प्रॉफिट होने वाला है। तुम ये देखो जो ऑर्डर प्लेस किया है मैंने, नेक्स्ट लेवल भाई, मेरी खुद की फटके 75 हो गई कि यार लगाऊं तो लगाऊं कहाँ, कैसे करूं, कितना ज्यादा काम है। वो तो शुक्र है भाई अभी मेरा वो जो सामान है, वो सॉरी जो मेरा मोटल है वो अभी फुल है, और अभी रूम नंबर 6 का भी मेरे को काम करना है। चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लगाते हैं, एंड ये सारी चीज़ें। अच्छा ये अभी नहीं लगाया ना मैंने, ये लग जाएगा यहाँ भाई, ये यहाँ नहीं लग सकता। शॉप शेल्फ टाइप 2 बिग, ओके शॉप शेल्फ में लगेगा, वो भी टाइप 2 वाले, आई थिंक इसमें लगेगा, हाँ इसमें लगेगा। ये बिग शेल्फ में लगना का सामान था, और मैं उसको उधर लगा रहा था छोटे वाले में, तो ये भी लग जाएगा यहीं पर। यस लग गया, इसको नीचे रख देते बाकी को, ठीक है। और अब ये सारे डब्बे बिकेंगे, इसको नहीं बेचना है कि, ओ हाँ ये तो रह गया, ये वाली भी तो लगानी है। सिगरेटें हैं ये सारी, सिगरेट का स्टैंड है ये, यहाँ पर सारी सिगरेटें लग गई। चलो और ये ट्रिंगल्स भाई, मैंने चिप्स भी मंगाए थे बट वो चिप्स आए नहीं, वो चिप्स पता नहीं कहाँ है। यहाँ पर सिर्फ बड़े वाले प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे, जब यहाँ पर ट्रिंगल्स आ सकता है तो क्यों ना मैं इसको यहीं पर लगाऊँ, है ना। बट चिप्स नहीं आए भाई, ऑर्डर प्लेस किया था बट मैंने शायद उसका, ठीक है। और अभी लगे हाथ ना उस रूम का भी काम करते हैं भाई साहब, पैसा ही पैसा, अंधा पैसा। ये देखो
इसको कहते हैं लगाना। ये देखो ये 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 अच्छा इसके अंदर भी है दूध। ओह शिट ये तो रह गया था अभी। चलो दूध भी लगा दे, लग गया था। ये पानी बॉटल ऊपर लगेगी, सारे पानी ऊपर है। चलो इसको भी बेच देते हैं। पैसा पैसा, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, और पहले तो इसको भी उठा लेंगे, तो ले जाके रख देते हैं हम अपने रिसेप्शन पर। एंड ये क्यों खड़ी है यहाँ पर? अच्छा ये रूम खाली करने जा रही होगी। ऑल राइट चेकआउट है रूम 4 से। थैंक यू, रूम नंबर 4 से चेकआउट कर दिया इसने। बट हमको अभी वहाँ पर ध्यान नहीं देना, अभी हमको उठाना है ये एंड लगाना है नया वाला फ्रिज का कनेक्शन, इसका कम्प्लीट करना है। ठीक है तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना। थोड़ा सीधा होके लग जा भाई इज्जत के साथ, ठीक है। एंड आई थिंक एक बड़ा फ्रिज काफ़ी है भाई। चलो जी फ्रिज अपना स्टार्ट, डन। भाई मतलब कितना तुम सामान डाल सकते हो यार, मैं तो ये देख के हैरान हूँ। इसके अंदर तुम सामान अनलिमिटेड डाल सकते हो भाई, इतनी जगह है, इतनी जगह। क्लीनिंग वाला बंदा रख लूँ क्या, क्या कहते हो? एक क्लीनिंग वाला बंदा रखना पड़ेगा भाई। ये देखो देखो, बट क्लीनिंग में ज़्यादा देर लगती नहीं है मेरे को। क्लीनिंग ऐसे ही मैं कर देता हूँ तड़ा तड़ पड़ा पड़। अभी तो ये सामान भी उठा के रखना है भाई। ये लो इसको उठाते हैं, ट्रैश कैन में डालते हैं। भाई कितनी गंदगी मचाते हैं यार ये लोग, मैं तो दुखी आ गया भाई इनसे। ये जो अबे चल जा जा, चलो ये भी लगा देते हैं यहाँ पे, डन। ये वाला खाली है, कैसा है? आई थिंक ये तो खाली है, अभी खाली नहीं है बट पूरा भरा नहीं है एक्चुअली, तो अभी चल जाएगा काम। तो अभी मेरे को कोई ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं करना? पैसे जब आया हूँ तो लगे हाथ लेते चलूँ। भाई साहब $109 $115, क्योंकि अभी इनको $250 ले जी, 350। Awesome. ये ले भाई 430 मेरे को यहाँ से मिल गए। पैसे की अब कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। अभी ले अभी और एड्स के भी पैसे आ जाएंगे मेरे। ये देखो कैट पेट 612, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी तो बताओ। अभी लगे हाथ काम करते हैं। और ये मैं 3-star होटल, उस शॉप की रेटिंग 4 हो गई है, क्रेजी। भाई 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 फ्यूल रिजर्व कम है, फ्यूल मंगाऊं मैं फटाफट से, कमी नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी। और मेरे को लग रहा है कि ना लाइट जाने वाली है, फ्यूल मेरे को यहीं से दिख गया। ले कि कम पड़ रहा है इधर जनरेटर में। अरे शिट डाल दिया लाइट मैंने, खुद ने ही बंद कर दिया जनरेटर ऑफ। भाई लाइट ही नहीं आती है यहाँ पर पहाड़ों के बीच में। ठीक है चलो भाई, खूब भागा दौड़ी करवा रहा हूँ मैं इससे बंदी से। और मेरे को और एड्स लगाने हैं, और एड्स लगा सकता हूँ मैं एक्चुअली। और एड्स मंगा लूँ क्या? मंगा लेते हैं, काम करते हैं, एड्स चेक करें सबसे पहले। तो जगह ही नहीं है मेरे पे। एड स्लॉट्स नंबर डिपेंड्स ऑन मोटल पॉपुलैरिटी, डन। ठीक है मोटल की पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, मोटल की पॉपुलैरिटी का सिस्टम करते हैं। अभी तुमको बहुत सामान है अभी अपने पे। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी भर भर के ले, पेस्ट्रीज भी भर भर के ले, अल्कोहल भी भर भर के, सिक्के भी भर भर के, कार प्रोडक्ट भी, न्यूज़पेपर, ट्रैवल एसेंशियल और गिफ्ट, और ये नहीं है सोवनियर, और हैट्स भी नहीं है, हैट्स भी हम बेच सकते हैं। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या है? ये भी बेच सकते हैं हम क्या? अच्छा ओके ये अपने पास क्या है वो है ये। ओ सीलिंग लैंप 4 कहाँ रखी हुई है? बट ये वहीं पर रखी हुई है, वेयर हाउस में, वेयर हाउस में होगी ये। टावल रखे हैं मैं 5, डन डन सीन है भाई। और भी भाई पूरी लिस्ट है भाई उधर तक। कर्टेन रखे हैं मेरे पास 1-2 रखे हैं। ठीक है और रूम लैंप है 2 रखे हुए हैं। और क्या है? इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक वाली आइटम है, वो रखा हुआ है AC। डैम भाई ₹2700 तो यूं ही पड़े हुए हैं, नॉट रेडी है भाई। रूम नंबर 4 और 6, ठीक है रूम नंबर 4 और 6 उधर मैंने पंगा लिया पेट्रोल। और इधर आ भाई सारा सामान को लगाएं पहले फटाफट से इधर, एंड इसको भी इसके अंदर रख देते हैं। लग जाना, हाँ ठीक चलो ये हो गया काम 25। एंड हाँ अभी वहां से जो सामान उठा के रखना है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें उठा के रखनी है भाई अभी। ठीक है ये देखो ये लगा देते हैं हम यहाँ पे, लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। चलो सारी क्लॉक्स जो है ये यहाँ पर लग देते हैं। अरे तुम्हें पता है क्लॉक्स और वॉचेस में क्या फर्क होता है? किसको किसको पता है क्लॉक्स और वॉचेस में क्या फर्क होता है? भाई ये झूमर तो मैं अभी नहीं लगा रहा, ना शीशा भी लगा रहा दोनों में। हाँ ये सब चीजें मैं अभी नहीं लगा रहा, ये रखो भाई यहाँ पे। ठीक है एंड अच्छा इतनी सारी वॉच क्लॉक्स मंगा रखी है मैंने। चलो इसको ऐसे करके लगा देते हैं ना, है ना, ये भी तरीका सही है गुरु। अच्छा नीचे अगर जमीन पे भी रखी हुई है तो भी मेरे को वहां पर दिख जाएगा, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। फिर तो साला शेल्फ लेने की जरूरत है ही नहीं। बट ये वाली चीजें मैं ना यहाँ रखता हूँ सो देट की मेरे को पता हो कि कहाँ से चकनी है, यहाँ से चकनी है। अब ले
पपीता लग जा भाई, और ये टाइल्स टूल्स का काम करो ऊपर, लगेगा ऊपर, ऊपर नहीं लगता ये, लग जाएगा, लग गया। वो वाली टाइल मैंने लगानी नहीं है वैसे, उसको सेल भी कर सकता हूँ मैं। हाँ ये बेड शीटे, ठीक है, इसको लगाते हैं पहले तरीके से। बेड शीटे भी हम ऊपर रख सकते हैं, लेट मी सी, रख पाएंगे? आई डोंट थिंक कि ऊपर रख सकते हैं बेड शीट, नहीं रख सकते। टावल के ऊपर रख देते हैं बेड शीट, ये भी सही है। वैसे मैं इसको उठा ही सकता हूँ यार, उठा ही देता हूँ इसको, मैं यहाँ पर रखूंगा। बेड शीट को हम यहाँ पर रख देते हैं, और टावल एंड ब्लैंकेट, सॉरी टावल कह रहा हूँ मैं, पिलो एंड ब्लैंकेट यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें, लैंप है, टेबल है, और ये होल्डर है, ये सब भी अंदर रखते हैं भाई। फर्नीचर वाला एरिया, इलेक्ट्रिक वाला यहाँ कर देते हैं, ठीक है, फर्नीचर वाला हम इधर कर देते हैं, ठीक। और ये क्या, ये तो जहर है, ये जहर है ना, नहीं ये तो अंदर लगने वाली चीज़ है भाई, रेडिएंट कूलर, रेडिएटर कूलेंट है भाई, ये गाड़ी के अंदर डलता है, ये तो यहाँ लगेगा। अरे भाई क्यों मैं भिड़ जाता हूँ, हाँ यहाँ लगेगा ये। चल ये काम हो गया, बढ़िया, को बेच देते हैं लगे हाथ। चल भाई निकल पतली गली से, बहुत सही, चीज़ें बिक रही हैं भाई, चीज़ें बढ़िया बिक रही हैं, और चीज़ें ख़त्म हो रही है स्पीड से, जबकि मैंने प्राइसिंग चेंज करी नहीं है। अरे पहले मैं तो कुछ खा लूँ, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं ये नहीं खा पा रहा, पता है मेरे को ये खाना है एक्चुअली, मेरे पे चिप्स नहीं है, चिप्स चाहिए हमें। अरे यहाँ पर आ गया मैं, ये खाली कर देता हूँ लगे हाथ, भाई बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा काम। नहीं, इसको यहीं रहने देता हूँ, ये बेसिक चीज़ों को यहीं रहने देता हूँ यार, बेसिक चीज़ें साली कभी भी मेरे को उठा के रखनी पड़ जाती हैं। हाँ ये मैं रख सकता हूँ, ब्लाइंड्स मेरे को, मैं बेच ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये कर्टेन भी ले जाता हूँ, अभी तक ये मेरे काम आने वाले हैं, बट इसको मैं रख देता हूँ, इसको वेयर हाउस में रख देता हूँ। यहाँ पे ब्लाइंड्स, यहाँ पर आ जाना भाई, हाँ इज्जत से आ जा, यहाँ आ जा। चलो कर्टेन एंड ब्लाइंड्स हैं बेसिक, ये यहाँ पर लगाया जा सकता है वैसे, ये यहाँ रख देता हूँ। ओ तीन है भाई, देख रहे हो, एक्स्ट्रा में मंगा रखी है भाई चीजें, ये तो मैं, ओ ये वाला डबल वाला लगाता हूँ, डबल वाला फिर अब लगाने का फायदा नहीं है ना, है कि नहीं, लग जा भाई इधर लग जा। चल क्या हुआ, अच्छा लाइट, झूमर यूं ही पड़े हुए मेरे, देखो तीन झूमर यूं ही पड़े हुए सड़क पे, रूम लैंप ले लो, होल्डर ले लो, रग्स पड़े हुए यूं ही, देखो यार तुम, इलेक्ट्रिक वाला सामान मैं यहाँ रख रहा हूँ, है ना, ये देखो सामान, देखो सामान की नजाकत दे, ये तू भाई तू भी यहीं लग जा अभी फिलहाल के लिए। रग्स उठाते हैं, और ये एसी उठा लेते, एसी भी लगा देते हैं यहाँ, रग्स इलेक्ट्रिक यहाँ पर। चल अब एक काम करते हैं, वो वाला जो सामान है ना वो सारा उठा के मैं लेके आता हूँ, क्योंकि अब ये हो रही है बदतमीजी बहुत हद लेवल की, ये जो मैंने ऐसे फेंक रखी है ना चीजें, ये एक्चुअली बदतमीजी, फ्लोर का सामान है ये भी, फ्लोर का सामान है ये भी, एक्चुअली फ्लोर का ही है, ये दीवार का है, ठीक है, फ्लोर तो एक साथ कर देता हूँ मैं सब, लग जा, हाँ लग गया। चलो ये दीवार वो फ्लोर है दोनों, चलो भाई दीवार लगाए पहले, ओके दीवार अभी है फ्लोर, ये सीलिंग है, एक डब्बा बचा हुआ इसके ऊपर ही रख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये भी दीवार है, ओह एक सेकंड, इधर कर ले, हाँ इधर कर ले, इधर भी ठीक, इधर कर ले, हाँ ठीक, ठीक है। अब हाँ अब हमको लगानी है, पहले उस कस्टमर का काम कर दे 25, वो खाली करके जा रहे हैं ना, निपटाए साले को, ये रूम नंबर 4 अभी नहीं चढ़ा रहा यार मैं, हाँ भाई तुम खाली करो, पहले मेरे को रूम रेडी करना है, वो बोला अरे उठ जा भाई, हाँ रूम रेडी करना है, पहले मैं चेक कर लूं कि रूम मेरे कौन कौन से, 4, 5, 6 तीनों नॉट रेडी, ठीक है। तो दीवार पे लगाते हैं हम, एक काम करते हैं, पहले तो व्हाइट टाइल, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है व्हाइट टाइल लगेगी दीवार पे, टाइल लगाऊं पेंट करूं, मैंने किसी दीवार पे किसी रूम में टाइलें नहीं लगाई ना पूरी दीवार पे, बहुत बुरा लग रहा है भाई इसको हटा नहीं सकते क्या, फिट हो गया भाई मामला। अरे ये तो बाहर के लिए मंगाई थी मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, अरे ये शॉप की थी टाइल, डैम भाई ये शॉप की टाइल थी भाई, ये फिट हो, भाई कितना शोर मचा रहे हैं लोग, लगना wow, that's quick. अरे प्लेस कर बे भाई, देखो अलग ही बदतमीजी है भाई, यहाँ लगनी थी ये वाली टाइल, देखो क्या किया है मैंने, that is what I was looking for. नुकसान हो गया भाई मतलब का, मेरे को लगा अबे यार ये तो बहुत दिक्कत होगी, एक मेरे को फिर ऐसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा एक्सटीरियर की कौन सी इंटीरियर की कौन सी, ये तो बहुत दुखदाई बात होगी भाई। तो अभी फिर मेरे को लगता है मेरे को नहीं यहीं पर लगाना चाहिए बाहर एकदम ऐसे बिछा के, है ना, सो दैट कि मेरे को पता रहे कि मैं लगा क्या रहा हूँ, ये तो मेरे को लगानी नहीं है इसमें, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को लगानी नहीं चाहिए। मैं बाथरूम में लगा सकता हूँ, ये भी लगा सकता हूँ मैं बाथरूम में, जमीन पर लगेगी ये वाली तो शॉप की है टाइल, ठीक है ये वाली यूज कर सकता हूँ मैं फ्लोरिंग पे अपने इस वाले रूम में। ये क्यों उठा लिया गधे, हाँ एसी तो यहाँ लगेगा ना, काम करते हैं इसको ऐसे करके लगा देते हैं,
ठीक है, ये काम हो गया। अब ये वाले टाइल, ये दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों जमीन पे लगेंगी। ये वाली टाइल मैं लगा चुका हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं लगा नहीं रहा। ये वाली लगाई नहीं है मैंने, ये फ्लोर पे नहीं लगाई, ये मैंने किसी और रूम में लगाई नहीं है। ये लगाता हूँ, ये सही है। बाहर लग भाई, एक मिनट, इसको लगाते हैं फ्लोर पे। ये देखो तो तहलका, ये काम डन। ठीक है, ये देखो, ये वाली फ्लोर मैंने कहीं नहीं लगाई है। अब हुआ है राजा महाराजा मामला, चा मार दे वेले। ये ले तहलका, ये ले, बढ़िया लग रहा है, वैसे बुरा नहीं लग रहा, बहुत सही। भाई मैं इतना खो जाता हूँ ना खेलते खेलते, मेरे को पता है, पता नहीं मैं क्या कर जाता हूँ जिंदगी में। ये ले 46 आ जाएगी, आ जानी चाहिए भाई। दूसरा तीसरा डब्बा मत, उस तेरा बलाओ भाई, क्या बदतमीजी हो गई है भाई। एक डब्बा मंगाना पड़ जाएगा ऐसे तो मेरे को। दीवार पे लगाने वाला क्या है? इस पे तो ये बाहर लगेगा ना, ये बाहर पे, बाहर लगनी है ये वाली टाइल। यस एग्जैक्टली, यहाँ लगनी है ब्रो, यहाँ लगनी है। ठीक है, और दीवार पे लगाने वाली, ठीक है, ये वाली टाइल लगा देते हैं हम अंदर बाथरूम में। ओके यस, ये वाली ब्लैक टाइल है, ये बाथरूम में लगेगी, बढ़िया लगेगा एकदम। ये देखो, है ना, एकदम चोचक मामला हो गया भाई, झकास एकदम बोले तो। ठीक, डन सीन है, दीवार पे लगाने का। अब अंदर बाथरूम का देखते हैं और इस रूम का देखते हैं। ठीक, और ये जमीन का है, ये सारा फ्लोर का है। ठीक है, तो इसको ऐसे करके एक बार ही लगा देते हैं, सो दैट कि पता रहे कि फ्लोर वाली ये है, क्योंकि रूम रेडी कर रहे हैं भाई। ये एक्सटीरियर की है, ये एक्सटीरियर वॉल की दीवार है, तो ये तो करना नहीं है। ये भी एक्सटीरियर वॉल की है, नहीं एक्सटीरियर वो इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर में लगाया जा सकता है, बट ये 7 बची है तो इसका कोई फायदा नहीं है अभी, तो छेड़ना नहीं है अभी तो। बट मैं इसको यूज कर सकता हूँ एक्चुअली, पता है यहाँ पे मैं वेस्ट काय को करूँ। नहीं, चमक धमक हो गया एकदम मामला, है कि नहीं बढ़िया, एकदम शानदार, आलीशान, जिंदाबाद। ले वेस्ट नहीं करी कोई चीज, बात ये सारी। और ये भी एक्सटीरियर की है टाइला, तो यहाँ रखते हैं। ये 100 टाइल हो गई काइंड ऑफ, एक तरीके से अभी बची हुई है मेरे पास जो एक्सटीरियर की, अपने मोटल रूम की। ये सीलिंग पे लगाया जा सकता है, 46 है, ये कम पड़ेगी। एक काम करते हैं, ये सीलिंग वाली है, ऑल राइट, सीलिंग वाली यही बची है। और ये कौन सी है भाई? ये दीवार की है, ठीक है, इंटीरियर की। अब मेरे को टाइलें मंगानी पड़ेंगी बढ़िया वाली, ठीक है, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं पेंट लगा सकता हूँ, पेंट कर सकता हूँ अभी अंदर अंदर। ये क्या सर्वनाश हुआ है भाई ये, भाई नहीं नहीं, नहीं, नहीं। इसको मेरे को करना पड़ेगा टैकल भाई, इसको टैकल करना पड़ेगा मेरे को, आई हैव टू डू दिस भाई। ये वाली जो टाइल का मेरा वेस्टेज हुआ है ना, आई हेट इट ब्रो, आई हेट इट, एक्चुअली आई हेट इट। ये तो भाई मेरे को इसको अपनी इज्जत मतलब बचाने वाले, इज्जत ढकने वाला काम कर रहा हूँ मैं ये भी इस टाइम फिलहाल। हाँ बेटे, इज्जत ढकने वाला काम कर रहा हूँ मैं, ये और कुछ नहीं है बस। तो इज्जत ढकी जा रही है, अपने भाई का इस मामले में साथ दो। ठीक, हो गया काम बढ़िया, ये रह गया पीछे, पुच करके लगा देते हैं बाकी। हाँ, ये बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। हम सीलिंग पे भी कुछ कर सकते हैं ऐसा, और बाकी दीवारों पे भी कर सकते हैं, और अंदर अभी बाथरूम भी रेडी करने हैं यहाँ पर भी। आई डोंट नो, अभी यहाँ पर और भी चीज लगनी है। ठीक है, और इसको मैं अभी वापस रख लेता हूँ। और आई थिंक आज की वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, ये रूम मेरे को रेडी करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।